दोस्तों 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 अपडेट आ चुका है, अपने चैनल टाइट टायर प्रॉपर स्पीड हो चुका है और चेन का लॉक ढूंढ रहे हैं, अपने वो वाला लॉक मिल गया। तो चेन सबसे पहले ला लेंगे पीछे साइड से, पीछे से होते हुए आगे जाएगी, यहाँ से करेंगे एडजस्ट। क्या ही लग रही है। दोस्तों 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 मैं राइडर सीख के आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आपने टाइटल तो देख लिया ही होगा कि आज हम अपने बाइक पे न्यू चेन लगाने वाले हैं, गोल्डन चेन। तो एक थोड़ा सा मतलब बहुत दिन से सोच रखा था जब मैंने बाइक ली थी कि ये चेन ख़राब होने के बाद मैं गोल्डन चेन ही लगाऊँगा, तो आज वो पूरा करने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ना मैंने एक और वीडियो बनाया कि चेन को चेक कैसे करें कि वो उसकी चेन लाइफ ख़त्म हो चुकी है, चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो आप वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। तो ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद अगर आपको चेंज करने का हो तो आप भी चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको भी जस्ट दिखाता हूँ, विराज के हाथ में रखा है और आज अपने साथ है बड़े लोग तेजेश्वर। तेजेश्वर भाई फुल भाई वाइट शर्ट वाइट शूज़ पहन के गर्मी में निकले अपनी R15 लेके, और बस अभी हम अपना काम करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। रोलिन का मैंने ब्रास चेन ले लिया है, कॉस्टिंग मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, वीडियो पूरा देखते रहो। तो चलो मैं आपको अपने बाइक के पास ले चलता हूँ और अभी हम कहाँ पर है वो भी लोकेशन बताता हूँ। मेरा अपना पॉकेट किट और मैं आया होटवानी, दिख रहा है आपको सुपेला के पास, और तेजू जा रहा है अभी घर और हमारी बाइक शायद खुलनी शुरू हो चुकी है, अपने आदिल भाई खोलना शुरू कर चुके हैं अपनी बाइक को। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे लग रही है, और ये रहे बहुत तेज़ी में खुल रही है अपनी बाइक एकदम, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मस्त अपनी पुरानी चेन निकलेगी, फिर अपनी नई लगेगी, बहुत मज़ेदार गोल्डन 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 लुक, मतलब अलग ही लुक आएगा गोल्डन लगने के बाद। तो फटाक देखते हैं कैसे खुलता है और आपको हर एक स्टेप दिखाता हूँ। तो इसको भी अच्छी भी अनबॉक्सिंग करते थोड़ी देर में, और चलो इसको भी निकालते हैं, इसको निकालने का स्टेप आपको अभी अदल भाई बता देंगे। तो चलिए थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, अभी पीछे की चेन खुलना शुरू हो गई है, वीडियो ऑन करने से पहले इतने फास्ट है कि अपने कादिर भाई ने तुरंत चेन ही निकाल दी, हम वीडियो ऑन ही नहीं कर पाए, देख सकते हो इतने फास्ट अपने। अभी आपको मैं थोड़ा सा बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से अपना टायर निकल चुका है। किसी को टायर टायर खेलना तो आ सकता है मेरे पास अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। हाँ 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 क्या ही दिख रही है, और अपना चेन पुराना निकलेगा। तो जैसे आपने देखा, आपको मैं बता ये वीडियो बस मैं अपना चेन लगाने का दूंगा, निकालने का पूरा सिस्टम तो नहीं बता सकता कि बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मेन अभी ये चेन निकलेगा और पूरा किट लिया है फिलहाल, तो ये भी नहीं भी हट जाएगा, आगे का भी हटेगा, सब कुछ निकलेगा। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले अपने कादिर भैया, ये हुआ, अरे वाह, ये पीछे का, और ये रही अपनी चेन। ओहो हो गोल्ड बोले तो गोल्ड खराब सोना। आज अपन ने खराब सोना ले ही लिया, चलो फटाफट लगाते हैं मस्त, और लगने के बाद क्या लुक आएगी इसका आप देखना। उस तो वाइट कलर इसलिए दिख रहा है कि वो वाइट पेस्टिंग लगी हुई है फिलहाल, जब न्यू चेन आती है ना तो चेन पे वाइट पेस्टिंग लगा के देते हैं, फिर वो धीरे धीरे वाइट पेस्टिंग निकल जाएगी, फिर अपन को ल्यूब करना पड़ेगा, तो ऐसा काम होता है इसमें। तो चेन कैसे निकालेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। चेन को काटना, कादिर भाई बोल रहे हैं चेन को काटना पड़ेगा, क्योंकि लॉक वॉक नहीं रहता ना इसमें। तो चेन को काटने का तरीका देखते हैं। टूट गई चेन और ये चेन निकल गई,
इसको पहले साफ करेंगे भैया। तो बहुत लोग क्वेश्चन होगा कि कितने किलोमीटर में गाड़ी का मेरा चेंज हो रहा है, तो मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ कि कितने किलोमीटर हो चुके हैं। तो मैं दोस्तों चाबी थोड़ा हाथ में फंस गई थी, ये अपन ऑन करेंगे। पीछे का टायर नहीं लगा, पावर लगाऊंगा नहीं, ट्रिप पे सेट थी, ट्रिप हटाने दो एक सेकेंड दोस्तों। ये 18,000 1923, तो इतने किलोमीटर चल गई है जब जाके मेरी चेंज हो रही है, और नेक्स्ट देखते कब चेंज होती है वाली। ये भी शायद मैं चला लूँ 18,000, चलाने पे निर्भर रहता है, सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी की जल्दी 14,000 किलोमीटर पे भी ख़त्म हो सकती है, किसी की अपने अपने ऊपर रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया था चेंज कब चेंज करना चाहिए, आपको वीडियो अपने देख लिया होगा, लिंक पे होगा, नहीं देखा होगा तो ठीक है। फिर बस अभी अपना आज का जो काम है मेन मोटिव गोल्डन चेन, तभी पूरा साफ सफाई चल रही है। अब गंदगी देख सकते हो कितनी गंदी हो गई थी अंदर से, तो ठीक है फटाफट साफ़ करने के बाद आप थोड़ी देर में मिलते हैं वापस। तो जैसे कि आप देखते हैं तो अभी बड़ा वाला पॉकेट पीछे का नट ओपन हो रहा है, तो पीछे का बड़ा वाला लगेगा और भैया ने साफ़ कर दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरा डीजल से साफ़ किया, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा गंदा था पहले यहाँ से लेके ये अंदर वाला, तो डीजल से पूरा कचरा देख सकते हो कैसे नीचे गिरा पड़ा है और जो पूरा निकल रहा है पीछे का निकल गया है। फिर मस्त अपना ये पीछे का ये सब यहाँ पर रखा हुआ है, ये नीचे बड़ा छोटा छोटा का पता नहीं अंदर रखा हुआ शायद। और बहुत ही मतलब काजिर भाई का काम इतना प्यारा है कि आप आके अपने स्पोर्ट्स बाइक के भरोसे दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया। ये आप फेंक चुके हैं, देख सकते हैं पीछे का भी साफ हो रहा है। आदिल भैया चेन लगाने का आप कितना लेते हो किट पूरा? 250 लेंगे अभी पूरा लगाने का, जैसे कि देख सकते हो। और चेन का प्राइस आपको मैं थोड़ी देर, चेन लगने के बाद आपको मैं इसका प्राइस बताऊंगा कि ये कितने का मैं मिला है मुझे। तो फिलहाल आपको मैं इसकी प्रिंटिंग प्राइस दिखा देता हूँ, प्रिंटिंग तो होगी 176 इसका, इसमें प्राइस दिखा प्रिंटिंग प्राइस, और अपन को देखते हैं कि अपन को कितने में मिली है, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में पूरी फिटिंग होने के बाद। अभी छोटा वाला स्प्रॉकेट लग चुका है अपना आगे में, जैसे कि आप देख सकते हो, और अब इसको टाइट कर रहे हैं। ओ क्या स्टाइल में टाइट कर रहे हैं, और पीछे के भी शायद भैया ने लगवा दिया है, वो भी थोड़ा सा उस साइड है बंद, उस साइड हो गया गाड़ी थोड़ा चक्कर टाइम करते हैं यहाँ पर रबर रखने वाले, और बस बहुत थोड़े जल्द एक्सेल का फुल ग्रेसिंग ग्रेसिंग लगा रहे हैं पूरा मस्त देख सकते हो। पर भी लग रहा है वाह, जो देख के जो मज़ा आ रहा है ना, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स अगर आप बाइक ले रहे हो तो आपको भी समझ आ रहा होगा कैसे मतलब हर एक चीज़ को ग्रीस लग रहा है। ग्रीस इतना इम्पोर्टेंट आप सभी को पता ही है, और यार वो मस्त लग गया है कितना मस्त लग रहा है, छोटू सा छुटकू सा वही छुटकू सा स्प्रॉकेट लग गया छुटकू सा। ये रहा वो रहा वो था, वो ऊपर रखा था गाड़ी के ऊपर क्या घुस गया, अरे ब्रांड न्यू क्या ही लग रहा है ये कादिर भैया की स्माइल एकदम खतरनाक है। हाँ कादिर भैया आपके स्माइल में कुछ तो जादू है। वो टायर ऐसे नॉर्मल लगा दिया है, तो फिट करेंगे फिर चेन का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों अपडेट आ चुका है, चेन टाइट टायर प्रॉपर फिट हो चुका है, और चेन का लॉक ढूंढ रहे हैं अपने, वो रहा लॉक मिल गया। अब लॉक देख सकते हैं, लॉक खुलेगा पहले,
आगे से गाड़ी दबाओ क्या? दबा तो आगे से नहीं जरूरत। तो सबसे पहले भैया ने पीछे से चक्के का एकदम आगे कर दिया है, एकदम से देख सकते हो ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद चेन लाने के बाद उसका एडजस्ट कर लेंगे। तो चेन सबसे पहले ला लेंगे पीछे साइड से, पीछे से होते हुए आगे जाएगी। वाह वाह वाह, क्या गोल्डन खड़ा सोना बोलो ना, खड़ा सोना। कादिर भाई ने नाम रख दिया चेन का खड़ा सोना। खड़ा सोना सही बात है। ये आगे आ चुकी है, आगे से वापस यू टर्न मारते हुए। जब खड़ा सोने की पेस्टिंग उतरेगी तो और मज़ा आएगा। वापस अभी लॉक लगाएंगे, फिर एडजस्ट करेंगे चेन को। अब बारी है एडजस्ट करने की। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहती है लाइफ चेन की। यहाँ से करेंगे एडजस्ट। क्या ही लग रही है। चलो ठीक है, मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी अपने चेन लग चुका है, एकदम अपने सारे वीडियो चीज़ें देख लिया है। तो अब मैं अपने काजल भैया के हाथ से लगाया था। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखा तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और प्राइस मेरे को पड़ा था 1900 रुपीज़ डिस्काउंटेड, जो होने की तरफ मिला है तो उन्नीस सौ का लगा और 250 फिटिंग करने का लगा। इसी के साथ चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।